क्यों? आखिर क्यों मैं दुर्गा को मार नहीं पाया? क्या मतलब कि तुम उसे नहीं मार पाए? कितना अच्छा मौका था तुम्हारे हाथ में। मैं जानता हूं, मैं चाहता भी था, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। मेरी तरफ देखो आर्य, देखो मेरी तरफ। मैंने तुम्हें समझाया था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं संभालूंगी, तुम पर उंगली तक नहीं उठेगी, कोई तुम पर शक नहीं करेगा, और तुम्हें अपने परिवार को दुर्गा नाम के अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरा था किसी से, नहीं डरा था मैं, मगर पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। मैंने वो सारी बातें याद करने की कोशिश की जो दुर्गा ने मेरे साथ की, मेरे परिवार के साथ की। मैंने अपने मन में उसके लिए नफरत जगाने की कोशिश भी की, जब वो मेरी नजरों के सामने आई तो पता नहीं जैसे मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करने गया था, नहीं कर पाया। ठीक है, भूल जाओ उन सारे किस्सों को, भूल जाओ। मुझे इन बातों से वैसे भी क्या लेना देना। मैंने तुम्हें बस उस अन्याय का बदला लेने के लिए भेजा था जो दुर्गा तुम्हारे परिवार के साथ करती आ रही है। 7 साल पहले उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, हो सकता है अपने फायदे के लिए वो तुम्हारी मां या तुम्हारे पापा को खत्म करने की कोशिश करे। आर्य, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? तो दुर्गा को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तुम्हें उसकी जिंदगी लेनी होगी। अगर तुमने दुर्गा को खत्म नहीं किया तो वो तुम्हारे परिवार को खा जाएगी। तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे?